नहीं, एक जो ट्रेंड है वो बदल गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी भी ट्रेंड ही है ये, क्योंकि एक और दो राउंड ही हुए हैं, 15-15 राउंड 17-17 राउंड लगातार काउंटिंग होनी है, तो इसलिए अभी कहना जल्दबाजी है कि ट्रेंड किस साइड रहेंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस अपर हैंड है और बीजेपी हालांकि काफी कवर किया है, जो 20 से नीचे दिखाई जा रही थी अब वही 35 से ऊपर दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो नतीजों के अंदर तब्दील होगी या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की बात करें या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है दावे कर रही है और कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं क्योंकि ट्रेंड उनके पक्ष में आ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि नतीजे जब आएंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं। अंकित, एक चीज और समझना चाहेंगे, दिल्ली का ऑफिस हो कांग्रेस का या चंडीगढ़ की बात हो, जश्न की तस्वीरें सुनाई देने लगी, वहां पर समर्थक कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की वजह से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये अभी फिर वही माहौल बरकरार है, बना हुआ है या थोड़ी अभी शांति है? बिल्कुल, माहौल तो अभी बना ही रहेगा क्योंकि अभी भी कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है, और अब वो माहौल जब नतीजों के अंदर जब बदलेगा और नतीजों में किसकी कितनी सीटें आती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा था पंजाब का जब चुनाव था तो पंजाब के चुनाव के अंदर 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 में जो लड्डू हैं वो कहीं ना कहीं अकाली दल ऑफिस में बंटने शुरू हो गए थे, अकाली दल की सरकार लोग मान रहे थे कि आ रही है और वहां पटाखे बज रहे थे, लड्डू बट रहे थे, सारा का सारा मीडिया का जमावड़ा वहां था, लेकिन जब नतीजे जो आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं जब चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद जो एक नतीजे जो में जब तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरा ही परिदृश्य दिखता है। अब हरियाणा के अंदर क्या होगा, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए अंकित, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, अनिल जनरेटर स्टार्ट करेंगे फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना अभी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे, उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं फिर उनकी स्कैनिंग होती है फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है, ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है? नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा उसी वक्त ही जाता हूँ, मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार, मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक एक कर ले। नहीं, बड़ा फिर अगर आपने मेरी बात सुनो, जस्ट ए मिनट, ना इतने सारों को बोलना बड़ा मुश्किल है, आपने एक एक कर रहे हैं ना, मैं अभी टी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आज आपको चाय भी पिलाते हैं।